जहरीली शराब मौत मामले में पुलिस ने 72 घंटों के बीच मुख्य अपराधियों को पकड़ने का दावा किया है और पुलिस की इस छापेमारी की खबर किसी को भी नहीं होने दी। 72 घंटों तक चले इस ऑपरेशन में पुलिस ने एक साथ दिल्ली, अंबाला और जम्मू में छापेमारी की। शनिवार को DI सेंट्रल जोन मंडी मधुसूदन शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी। वहीं इस प्रेस वार्ता में DGP संजय कुंडू सिरमौर से वर्चुअल रूप से शामिल हुए। पुलिस के इस ऑपरेशन के दौरान 6 जिलों के SP और अन्य अधिकारी शामिल रहे, जिसके बाद पुलिस को भारी मात्रा में विभिन्न जगहों से अवैध सामान मिला है। इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी देते हुए DIG संजय कुंडू ने बताया। DIG संजय कुंडू ने कहा इस ऑपरेशन को गोपनीय रखना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था। अगर ये जैसे आपने कहा ये शिकायत आई है और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें अगर पुलिस के जो लोग इन्वॉल्व पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो एक्शन बनता है वो बनेगा। आपको शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि इलीगल फैक्ट्री चल रही है हमीरपुर में, लाइसेंस्ड फैक्ट्री नहीं थी हमीरपुर में। टोटल अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हो गए और सॉरी 7 लोग अरेस्ट हो गए। जम्मू देखिए सप्लायर गोरू अरेस्टेड है। स्प्रिट का सप्लायर, कार्टन के सप्लायर, स्पिरिट के सप्लायर, कैप्स जो हैं वो लोग अप्रिहेंडेड हैं। मतलब हम उनसे पूछताछ हमने जारी की है। उनका हर किसी का रोल एविडेंस के ऊपर हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद फर्दर कार्रवाई लीगल हम करेंगे। 7 4 जो पहले हुए थे लोकल लेवल, 3 और इसमें गौरव जिसको हम कह रहे हैं, जो कालू नरेंद्र जो मलो सुंदरनगर का है, और अजय जो बैजनाथ से है, अजय जो लेबल्स बना रहा था। ऐसे रैकेट को, ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करना इतना आसान नहीं होता है। इतनी टीमें थी और सब जगह पे एक ही समय पे रेड करना बहुत मुश्किल काम था। इसके लिए हमें सीक्रेसी और सरप्राइज, गोपनीयता और एकदम वहाँ पहुँचना ताकि उस व्यक्ति को पता न चल पाए कि हम उसके ठिकाने पे पहुँच गए हैं। ये सीक्रेसी और जो सरप्राइज था ये हम मेंटेन कर पाए। सभी जगह बिल्कुल ठीक कोऑर्डिनेशन से हमने रेड्स की। पुलिस महानिदेशक महोदय ने बाहरी राज्यों के साथ जितने भी वहाँ के सीनियर अधिकारी थे हमारे सामने थाने में बैठ के उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की, जिससे कि हमें बाहरी राज्यों से भी बहुत मदद मिली। और मैं इतना बता दूं कि हम अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल ही वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं और अपना जो केस है उसको सही दिशा में ले जा रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सिकलानी की रिपोर्ट।